हाय गाइड्स, आपका ऑटो लिंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। और स्वागत ये है गाइड्स, आप लोग को मालूम है कल जो है 15 अगस्त चला गया और बुधवार से ही जो है 3 मूवी आ रही थी चर्चे में पूरी की पूरी, जो है अब लगेगी तब लगेगी करते करते जो है आज जो है 16 तारीख हो गए। और कल जो है जो पूरा का पूरा इस मूवी में एक दूसरे में टकराव थी और उस टकराव में जो है स्त्री मूवी ने बाजी मार दी और उसके कलेक्शन भी आ चुके हैं। और आप लोग को मालूम है ऑटो वाले अंकल चैनल पे जब कोई एकदम तड़कती भड़कती और ऐसी कोई न्यूज होती है तो बनता है क्रेजी। हम तो आज जो है हमारे सूर्या सर जो है बेस्ट हैं, लेकिन मैं आपको एक नया स्टार आपको लेके आ रहा हूँ और वो नया स्टार आप देखे होंगे, वो भटक गया था, उसे बुला रहा हूँ। नहीं भटकता तो चलो भाई आ जाओ प्रेम में, क्रेजी हम में कृष्णा ये वाली आ जाओ भाई। मैं कहीं नहीं भटकता, मैं थोड़ा काम में थोड़ा उलझ जाता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो देख सकते हैं ये है कृष्णा। हाँ। इसने भी सब मूवी देख ली है तो थोड़ा थोड़े हम लोग चर्चा करेंगे मूवी के भी बारे में और कलेक्शन के बारे में। तो कृष्णा हम लोग कलेक्शन, हाँ तो कृष्णा कलेक्शन जो है स्त्री 2 का कलेक्शन जबरदस्त आया है और जिस हिसाब से पैसा, जिस हिसाब से हम लोग बात करेंगे कई रिकॉर्ड इसने तोड़े, क्या बोलेंगे आप भाई। KGF और ये सुनने में आया पठानगढ़ रिकॉर्ड टूटा फर्स्ट डे कलेक्शन का 68 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 55 है कुछ तो लाइक बहुत अच्छी बात है। जो लोग कहते थे बॉलीवुड पिक्चर चलती नहीं है, ये नहीं, ये पठान का फेक रिव्यू है, KGF साउथ का जो चल रहा था, लाइक फाइनली बॉलीवुड ने अपना बोलते ना सॉफ्ट पावर, अपना ताकत दिखा दिया ऑडियंस को थिएटर में लाके। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा नॉर्थ और साउथ का झगड़ा नहीं है, लाइक ऑडियंस जो गायब थी आ गई थिएटर। अच्छा, हमेशा नॉर्थ भाई आई स्मार्ट पिक्चर में वही तो दिखाया, नॉर्थ और साउथ में आपस में झगड़ा करवा के राज करते बाहर वाले। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं हाल ही पूछूंगा कि पहली बात है कि सब लोग बोलते थे कि अरे बड़ी बड़े स्टार रहेंगे तो मूवी चलेगी और इतने कलेक्शन करेगी, तो यहाँ पे तो बड़े स्टार नहीं है भाई। श्रद्धा कपूर छोटी बड़ी स्टार है भाई, उसके फॉलोअर है आप। नहीं अशोक सर उसके फॉलोअर है यहाँ पे, अशोक सर एक मिनट अशोक सर इंस्टाग्राम पे है, इनको प्लीज फॉलो करो, अशोक सर को फॉलो करो, इंस्टाग्राम का पावर क्या है ना, श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पे दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में है। अरे ठीक है, दूसरे नंबर पे, वो दूसरे नंबर वाले आके पिक्चर नहीं देखेंगे और नहीं हिट करेंगे, जब मूवी तो अच्छी रहेगी तो ऑडियंस इतने। अरे ऑडियंस हम लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं ना अभी। हाँ तो ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें जो है कोई इतने बड़े स्टार नहीं है, राजकुमार राव है, फिर उसके बाद जो है श्रद्धा कपूर, ये जो है इतनी पहली फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जो इतना कलेक्शन जो तड़कती भड़कती है, आप अंदर से कितने खुश हो। बड़े स्टार मतलब, बड़े स्टार मतलब मैं पहले आपका वो जो छोटा बड़ा स्टार किसको बोलते हैं, बड़े स्टार जैसे आप बोले कि KGF के रॉकिंग स्टार है थे तो उतना कलेक्शन हुआ, उनको कौन जानता था पहले, किसके वजह से जाना, KGF को जानता हम ही तो थे ना यूट्यूबर, यहाँ पे आप और मैं सूर्या विरहन में मिलके उनका नाम प्रचार करके, तो मतलब पठान में हमारे शाहरुख खान से, तो मतलब एक्टर कोई बड़ा छोटा नहीं था, वो किरदार होता है छोटा बड़ा और उसके। अच्छा। बैंक बैलेंस नहीं बताते भाई वो कितना बड़ा। अनुपम खेर इतने बड़े नामचीन स्टार है, सलमान खान भी इतने बड़े, लेकिन एक्टिंग में कौन बड़ा तो सब जानते ही है। अच्छा, ये दिनेश विजन ने जो सेकंड पार्ट बनाई और ये जिस हिसाब से इन्होंने पेश किया, और ये स्त्री 2 के अंदर अक्षय कुमार का भी थोड़ा बहुत है। हाँ हाँ, सुनने में आया, हाँ सुनने में आया, तो ये हम लोग बता रहे हैं। हाँ तो ये जो है अभी थर्ड पार्ट लाने की उनकी तैयारी, जो अरुण धवन की एंट्री की उन्होंने भेड़िया के बारे में, हाँ। तो ये सब जो है मतलब मैसेज है पब्लिक के अंदर, जिस तरह से दिनेश विजन ने जगह बनाई है तो ये क्या कहेंगे, मतलब क्या प्रचार की वजह से हुआ है ये जगह बनाने का कि कंटेंट की वजह से। देखिए मार्केट, उन्होंने मार्केटिंग काफ़ी अच्छी तरह, स्त्री 2 का एडवर्टाइज काफ़ी अच्छी तरह, जब उनका आइटम सॉन्ग लॉन्च हुआ था क्या नाम है उनका, भाटिया, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारा में मैं खुद गया था वहाँ पे कवर करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी तरह से जो बच्चे आए थे सारे का मापा ठीक है, बराबर है। देखो मार्केटिंग कहीं भी, मार्केटिंग भी एक में मार्केटिंग बना लिया, खाना तो बना लिया, लेकिन उसको परोसा भी ज़्यादा है, परोसा भी ज़्यादा है, जब मालूम पड़ा परोसने के बाद खाने के बाद जो पेटी ऑडियंस नहीं आई, पेटी फट गया तो, लेकिन ऑडियंस आ गया ना भाई। अरे लेकिन खा पी के हट गया, पेट फट गया, ऑडियंस तो आ गया। और अरे कंटेंट जब अच्छी रहेगी तब ना, कंटेंट यहाँ पे अच्छी हुई तभी तो चली। कंटेंट पे भी ऑडियंस आ चुके थे, हमने वो भी देखा, यहाँ पे फेक कंटेंट भी देखा हम लोगों ने, फेक कंटेंट में फेक ये सब फ्री में टिकट भी देखा। अच्छा ठीक, वो फ्री टिकट का वो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे कंटेंट है तभी तो पब्लिक आ रही है, अच्छी बात है। तो तो ये जो है मूवी आई है तो क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक मतलब ये जाएगी, मतलब अच्छी खासी कलेक्शन और आगे तक जाएगी आई होपफुली,
अभी मंडे के बाद ही मालूम पड़ेगा पिक्चर कहाँ पे फ्लोट करती है, क्योंकि अभी कल तो छुट्टी था। अच्छा। आज तो लाइक क्या बोलते हैं सैटरडे है, रात को और कल संडे का कल कैसा पिकअप करेगा। और देखा जाए इंडिया का जो 54-55 के आसपास करोड़ आई है, मतलब काबिले तारीफ, मतलब बाहर का छोड़ करके मतलब मात्र सिर्फ इंडिया में 54 के ऊपर मतलब 55 करोड़ के आसपास आई है, मतलब सोचने वाली बात है। मतलब जो आने वाली जो बड़े बड़े स्टार है वो भी हैरत में है कि इतनी कैसी कलेक्शन हुई। मैं भी सोचने लगा कि अच्छा हो गया मेरे सर पे बाल नहीं है, लेकिन जो भी है मानना पड़ेगा इतना जो है मैं भी सोच नहीं सकता था, मेरे भी पेडिशन इतने नहीं थे और जो पेडिशन मैं दिया था उससे 3 गुना आया है गाइड्स, मानना पड़ेगा। मैं शौक हो गया, शौक तो है ही, और शौक ये है कि हमेशा के लिए मतलब जो भी है रिव्यू जो भी है अभी जो अगला जो मूवी आएगा उसे भी मतलब सोचना पड़ेगा कि 55 करोड़ कैसे पार किया जाए। मैं बता रहा हूँ, देखिए 55 करोड़ कैसे पास हुआ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने स्त्री एक बार देखा, उसको पसंद आया, अपने फ्रेंड को बोला भाई आ जाओ भाई अच्छी पिक्चर है, वो भी खुद बैठ के देख रही है। उसने अपने दोस्त को बुलाया, अच्छी पिक्चर है संडे के दिन, तो वैसे कलेक्शन बढ़ गया। संडे अभी आने वाला नहीं है, 2 दिन के बाद आएगा। नहीं बता रहा, संडे को ऐसा हो गया टिकट बुक हो चुके हैं ना संडे के एडवांस बुकिंग, और क्या टिकट के भाव भी काफी महंगे हो गए। हम गेडी गैलेक्सी में 110-120 में देख रहे, 150-150 रुपए, 150-170, 250-300। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे भी बढ़े है ना भाव, 20-30 रुपए यहाँ पे भी बढ़े, लेकिन 150 में है ना, बड़े बड़े थिएटर में, बड़े बड़े थिएटर में 250-300 हो गया, लेकिन 150 में 170 में देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे भी कलेक्शन में वो भी अमाउंट थोड़ा बड़ा है मेरे ख्याल से, आप भी इस बात पर गौर करिएगा। चलिए ठीक है, फिर ये मतलब आप फुल एक्साइटेडमेंट है, और मैं यही चाहूंगा कि जो कि कलेक्शन आए मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हैं। डेफिनेटली मतलब सारा बॉलीवुड चले और हिंदी पिक्चर चले, हर सिनेमा चले, ताकि यहाँ ऑडियंस आए, हम लोग और वीडियोस बनाए, लोगों के घर चले, चाय वाले वो समोसा वाले सबके आजू बाजू पड़ोस से जितने भी दुकान वाले उनके भी घर चले। भाई हम चाहते पिक्चर चले, थिएटर चले, हर जगह। और ऑडियंस से क्या कहेंगे ऑडियंस को? भाई मैं यही कहूँगा ऑडियंस को, आओ अच्छा पिक्चर है, यहाँ पे आइए देखिए अपने फैमिली के साथ, काफी फैमिली हेल्दी फिल्म है, ऐसा कोई पिक्चर में है नहीं, आप देख के एंजॉय करिए, होप यू विल एंजॉय विद योर फैमिली। तो गाइड्स आप लोग ने देखा कृष्णा जो कि एकदम अंदर से दिल से बोलता है, और गाइड्स मैं एक ही में बात बोलूँगा, जब मैं रात को देखा था ये मूवी पूरी फैमिली भी आई थी रात को, और मैं बहुत खुश हो गया कि बहुत दिनों के बाद जो है गेटी गैलेक्सी में फैमिली आए, और इतना खुश हुआ कि लगा मुझे अंदर से कि अब जो है कम से कम हफ्ते भर तो यहाँ पे पब्लिक दिखी। तो गाइड्स मूवी इज़ बेस्ट, और मैं यही चाहूँगा कि बांद्रा हो, पार्ला हो, अंधेरी हो, कहीं भी आओ, अगर आप जो है दहिसर से भी रिक्शा करके 3 जन आओगे तो भी आपके पैसे बचेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके बीच में कोई भी थिएटर में आप जाओगे 300 के नीचे टिकट नहीं है, तो आगे यहाँ आओगे तो आपका तीनों जन का 500 में काम चलेगा, और रिक्शे का भी भाड़ा, यहाँ से ट्रेन पकड़ के तुरंत निकल जाओगे। तो गाइड्स भाई जल्दी बुक कर लो, जल्दी जल्दी बुक कर लो, और मूवी जो है इज़ बेस्ट, मैंने देखी, अब वापस देखने की मन कर रही है, तो आप जब 2-4 दिन के बाद फिर देखेंगे एक बार। तो गाइड्स कलेक्शन इज़ बेस्ट, पहले दिन का कई रिकॉर्ड तोड़ा स्त्री 2 ने, और जो है और KGF दोनों का रिकॉर्ड, दोनों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और गाइड्स यकीन नहीं मानेंगे दिनेश विजन का जो है ये बहुत दिन के बाद श्रद्धा कपूर के लिए खुशखबरी, और राजकुमार राव के लिए कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर की ओर जा रही है। गाइड्स बस इतना ही, क्रेजी हम में आपको ये वीडियो कैसा लगा, बस मैं चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो टू फिल्मी वॉइस, हाँ बॉलीवुड क्रेजी, बॉलीवुड क्रेजी, हाँ तो बस गाइड इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।